नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर, मैं हूँ रुचि अनुरोध। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है मैगी से जुड़ी हुई। मैगी का विवाद लगातार गहराता जा रहा है, सैंपल्स की जांच हो रही है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली में हुई जांच के बाद मैगी का सैंपल फेल हो गया है। 13 सैंपल उठाए गए थे दिल्ली में, जिनमें 10 में लेड की मात्रा खतरे के निशान से ऊपर पाई गई है। दिल्ली सरकार इस नतीजे के बाद कार्रवाई पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि केरल सरकार ने मैगी को सरकारी स्टोर्स पर पहले ही बैन कर दिया है और बंगाल और हरियाणा सरकार ने भी सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से शुरू हुआ था ये पूरा विवाद, जब मैगी के कुछ रैंडम पैकेट्स उठाए गए थे, उनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था और लेड की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई थी। और मेरे सहयोगी रवि सिंह फोन लाइन पर है मेरे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए। रवि, सबसे पहले तो आप अपडेट दे दें। देखिए, दो दिन पहले सैंपल उठाए गए थे और इसके बाद इसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था। 13 में से ये पाया गया है कि 10 जो मैगी के सैंपल हैं वो अधिक मात्रा में लेड की मात्रा पाई गई है, जो और ये क्योंकि हेल्थ के लिए हानिकारक बताया गया है। और फिलहाल दिल्ली सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, ये मिलकर आगे की रणनीति तय कर रहे हैं और भी जगहों पर सैंपल उठाए जाने की बात चल रही है। जी रवि, रैंडमली दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये सैंपल्स लिए गए हैं? जी निश्चित तौर पर रैंडमली जो है सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से और भी दूसरे राज्यों में मैगी के सैंपल जो है वो उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी, उसके बाद रैंडमली ये चेकिंग हुई है। जी शुक्रिया रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि मैगी नूडल्स को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इनको बनाने वाली नेस्ले कंपनी लगातार ये कह रही है कि नहीं, लेड की एक्सेस मात्रा नहीं है मैगी में, लेकिन मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी के विज्ञापन करने वाले अमिताभ बच्चन, माधुरी और प्रियंका चोपड़ा समेत कई लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये वो स्टार्स हैं जिन्होंने कभी ना कभी मैगी नूडल्स का ब्रांड एंडोर्समेंट किया है। माफ कीजिए, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन समेत कई लोगों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मैगी का विज्ञापन करने को लेकर अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और नेस्ले ग्रुप के प्रबंधक मोहन गुप्ता, निदेशक शबाब आलम के खिलाफ मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने CJM कोर्ट में इन सबों के खिलाफ शिकायत दी थी। आज मामले की सुनवाई के बाद FIR दर्ज करने का आदेश दिया। सरकार अब जांच की बात कर रही है। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो अथॉरिटी है, तो उसका जो रिपोर्ट है हेल्थ, वो आना है। वो आने के बाद क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई होगी। उधर नेस्ले इंडिया ने सफाई दी है। हम जानते हैं कि हमारे उपभोक्ता उत्तर प्रदेश में मैगी के सैंपल की रिपोर्ट आने से काफी चिंतित है। हम अथॉरिटी की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। हमने मैगी नूडल्स के सैंपल की जांच खुद भी की और बाहरी लेबोरेटरी से भी कराई है। हमारी जांच में लगभग 12.5 करोड़ मैगी के पैकेट की गुणवत्ता को परखा गया। हमारी जांच रिपोर्ट में लेड की मात्रा नियमों के अनुसार ही पाई गई है और मैगी खाने के लिए सुरक्षित पाई गई है। हमने ये रिजल्ट अथॉरिटी को भी दिखाया है। गुणवत्ता और सुरक्षा हमारी कंपनी की पहली प्राथमिकता है। चलिए, तो ये 2 मिनट मैगी नूडल्स से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे और खासकर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लगातार सैंपल्स में निकल कर आ रहा है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट है मैगी नूडल्स में और साथ ही लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। अब मैं आपको बता दूँ आज की दूसरी अहम खबरें। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अफसरों की नियुक्ति को लेकर LG से उलझे हुए हैं, दूसरी तरफ MCD के कर्मचारी अपने वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर लखनऊ में डबल मर्डर से सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। पिछले महीने भर से SSP की तैनाती तक नहीं हो पाई है लखनऊ में। साथ ही UP में IBN 7 की खबर का असर हुआ है, प्रशासन ने खनन माफिया पर नकेल कसनी वहां शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट हो गई है। साथ ही हजारीबाग में के कोर्ट परिसर में AK-47 की गोलियों से जो पूरा माहौल था वो थर्रा उठा। और इन खबरों के अलावा अमरनाथ यात्रा के पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हुई पूजा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की। आम आदमी पार्टी आए दिन विवाद में फंसती नजर आ रही है। ताजा विवाद है एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के पुलिस अफसरों की तैनाती का। उनकी खबर आने के बाद LG के साथ अब एक नया विवाद शुरू हो गया है अरविंद केजरीवाल।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार से उधार के अवसर लिए और उनको एसीबी में तैनात कर दिया। जैसे ही बिहार काडर के एक डीसीपी और 5 इंस्पेक्टर के एसीबी में नियुक्ति की खबर मिली, एलजी दफ्तर में हलचल बढ़ गई। तुरंत आनन फानन में बयान जारी कर दिया गया। एसीबी के एक पुलिस स्टेशन होने के नाते वो उपराज्यपाल के ही अधिकार और नियंत्रण में आता है। इस स्थिति को गृह मंत्रालय के 21 मई के नोटिफिकेशन के जरिए भी साफ कर दिया गया है। एलजी दफ्तर को दिल्ली पुलिस के बाहर से एसीबी में अफसर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब भी एलजी के पास सतर्कता विभाग से औपचारिक प्रस्ताव आएगा, इस मामले को पूरी तरह जांचा परखा जाएगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इसको भी राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। देखिए, दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर है और एसीबी के पास पूरी पावर है कि वो देश में कहीं से भी पुलिस कर्मियों को ले सके, और पहले भी होता रहा है। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजाक बना दिया हर चीज को। कभी वो एलजी साहब से कहलवाती हैं कि ऑफिसर उनके अंडर में आएंगे, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी साहब से कहलवाती है कि एसीबी उनके अंडर में आएगी, पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग भी वही करेंगे एसीबी में। तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हालांकि मनीष सिसोदिया ने आज एलजी के दफ्तर जाकर उनसे मुलाकात भी की। एलजी के तेवर बहुत सख्त हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एलजी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। लेकिन विपक्ष ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथ धो लिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के इस ताजा विवाद को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी अपने नीचे अगर कुछ अधिकारी नियुक्त करने होंगे तो उनको भी शायद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो हो नहीं सकता है। दिल्ली में जब से सरकार बनी है 67 विधायक आम आदमी पार्टी के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो रोज आना कुछ अनाप शनाप बकते रहना है, उनको कुछ न कुछ फर्जी आरोप लगाते रहना है। उधर बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर झगड़े के रास्ते पर चल रही है। दिल्ली का अपना यूटी कैडर है, यूटी कैडर के लोगों को यहाँ काम करना चाहिए। आप बाहर से अफसर को लाकर के जो यूटी कैडर है, जो जिनका ये अधिकार बनता है काम करना, उनके अधिकारों को मारने का काम आप कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्रांच में बिहार के 6 पुलिस वालों की नियुक्ति के बाद अब केजरीवाल सरकार अन्य राज्यों से भी पुलिस अफसरों को दिल्ली के एसीबी में तैनात करना चाहती है। दिल्ली सरकार अपनी एंटी करप्शन ब्रांच में 6 बिहार पुलिस के अधिकारी नियुक्त करने पर एलजी की ओर से आपत्ति झेल चुकी है। लेकिन दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश से 15, पश्चिम बंगाल से 15 और उत्तराखंड से 4 इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी मांग सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार इन राज्यों के संपर्क में है और माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिन में ये अधिकारी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये साफ हो गया है कि नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तनातनी और बढ़ सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि एसीबी महकमा एलजी के अधीन आता है। तो एक तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच जंग जारी है, दूसरी तरफ एमसीडी के कर्मचारी वेतन न मिलने से खफा है। आज एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया। नारे लगाते यह है पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी। ये लोग पूर्वी दिल्ली के नंदर नगरी इलाके में एसडीएम के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समय पर वेतन नहीं मिलने से गुस्से में हैं। इनका गुस्सा दिल्ली की केजरीवाल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी है। हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जैसे हमारे लाभांश हैं, जैसे मेडिकल कैशलेस कार्ड है या तनख्वाह की एक समय निर्धारित जब तक नहीं होगी, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली में काम होने नहीं देंगे, दिल्ली का काम बंद करेंगे। गुस्से में एमसीडी के कर्मचारियों ने दिल्ली और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इनके प्रदर्शन की वजह से नंदनगरी में एसडीएम के दफ्तर के सामने घंटों तक जाम लगा रहा और मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और टैक्सी में एक महिला से छेड़खानी का एक बार फिर मामला सामने आया है। गुड़गांव पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी उबर टैक्सी कंपनी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे जमानत। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक पुलिस के शुरुआती जांच में महिला के आरोप सही पाए गए हैं, लिहाजा आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उबर कंपनी में पिछले एक महीने से ड्राइवर की नौकरी कर रहा आरोपी 42 साल का है और दिल्ली के विनोद नगर में अपने परिवार के साथ रहता है। तो उन्होंने ईमेल से कंप्लेंट की हमें और हमने 354 AIPC में ईमेल के आधार पे केस दर्ज कल ही रात को कर लिया था। और आज सुबह वो ड्राइवर जो है वो राउंड अप हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही उनको विधिवत अरेस्ट डाली गई है। दरअसल रविवार रात को एक महिला दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए उबर कंपनी की टैक्सी में बैठी थी। आरोप है कि जब वो गुड़गांव पहुंची तो उतरते वक्त ड्राइवर ने उसके साथ छेड़खानी की। उस महिला ने पुलिस को ईमेल कर शिकायत की थी, जिसके बाद एक बार फिर से उबर कंपनी पर सवाल खड़े होने लगे हैं और दिल्ली पुलिस भी इस केस पर नजर रखे हुए है। So we look into it and whatever action is required to be taken, we'll definitely take. You see, we have impounded a number of such taxis
taxis, and we have also taken action under the Motor Vehicle Act. और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ में एक मां बेटी की सरेआम गोली मारकर हत्या की कर दी गई। पुलिस को शक है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से हुई। लखनऊ के मडियाओं इलाके में बीती रात मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मारी गई महिला को कुछ सालों पहले गिरफ्तार भी किया गया था। परिवार वालों का आरोप है कि महिला और उसकी बेटी के साथ लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। फोन मिला, इन पापा कहने के कहाँ हो, तो हमने कहा घर पे हैं, तो कहने के जैसे बैठे वैसे चले हो, हमें लोग को बहुत चोट लगी है, ये नहीं बताएं कि वो है नहीं कर। फिर बाद में यहाँ मेडिकल कॉलेज आए, फिर बाद में मालूम हुआ कि दोनों लोग नहीं रहे। घटना के बाद आनन फानन में दोनों को ट्रामा सेंटर लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सरैया बानो और उसकी बेटी सोनी खान के घर में घुसकर बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। यहाँ के कोई पर्सनल कारण ही होंगे, क्योंकि यहाँ कोई लूटपाट या राबरी की जैसी कोई बात नहीं। मौके पर दो मोबाइल पड़े हुए हैं, दो खोखे भी पड़े हुए हैं, अंगूठी पड़ी हुई है, तो ब्लड पड़ा हुआ है। ये कोई व्यक्तिगत कारण ही हो सकता है इनकी हत्या का। राजधानी लखनऊ में हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद सूबे की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और लखनऊ में हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद शहर में एसएसपी की तैनाती के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। पिछले एक महीने से यहां किसी अफसर की तैनाती नहीं हुई है, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। सत्ता के बेहद करीबी माने जाने वाले यशस्वी यादव का सरकार ने एक महीने पहले लखनऊ से तबादला कर दिया था, लेकिन एक महीने बाद भी सरकार उनका विकल्प नहीं तलाश पाई है। नतीजा, राजधानी बिना पुलिस कप्तान के चल रही है। पहले 1.5 साल की मासूम को अगवा कर बलात्कार, बूढ़े दंपति को बंधक बनाकर घर में डकैती और अब डबल मर्डर। लेकिन सरकार बेफिक्र है। यह निर्णय जो है पॉलिसी वाला निर्णय है, निश्चित रूप से इसमें गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी बैठकर। विपक्ष भी इस मसले पर हमलावर हो चला है और लखनऊ में एसएसपी की तैनाती को प्रशासनिक विफलता का मुद्दा बनाकर सरकार की घेराबंदी करने में जुट गया है। यह सरकार अपने जो स्वीकृत बजट है उस वित्तीय बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पा रही है और प्रॉपर जो सही अधिकारी हैं उनकी तैनाती नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्यजनक। आप देख रहे हैं देश दिनभर और बात करते हैं आईबीएन 7 की खबर की असर की। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खनन माफिया यमुना की धारा को रोककर खनन कर रहा है। आईबीएन 7 की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कोर्रा घाट इलाके में खनन माफिया अपनी दबंगई के बल पर यमुना नदी की मुख्य धारा को रोककर अवैध खनन करवा रहे हैं। खनन माफिया इतना बेखौफ है कि यमुना नदी की मोरम को निकालने के लिए उसकी धारा को रोकने के लिए पुल ही बनवा दिया। अब प्रशासन ने इस अवैध पुल को तोड़ने के आदेश दिए हैं। जिले के आला अफसर भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि यूपी के कई इलाकों में अवैध खनन का पर्दाफाश आईबीएन 7 करता रहा है। और इस साल बेमौसम बरसात की मार पहले से ही झेल रहे किसानों के लिए और बुरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून उम्मीद से भी कम होने की आशंका है। इस आकलन के बाद शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। आने वाले समय में देश के लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून के दौरान 88% बरसात हो सकती है। इस पूर्वानुमान में 4% कम या ज्यादा का अंतर आ सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 85% बरसात का पूर्वानुमान है, जिसमें 8% कम या ज्यादा का अंतर आ सकता है। थोड़ा एक प्रकार से दुखद भी है कि जो 2 महीने पहले हमारी संभावना थी, उससे थोड़ा सा मानसून के रेनफॉल के कम होने की संभावना की हम आज बात कर रहे हैं। करीब 2 महीने पहले मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि इस बार मानसून हल्का रह सकता है और 93% बरसात का अंदाजा जताया गया था। अब मानसून में देरी की भी आशंका है। मॉनसून में कमी के आकलन के बाद शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया और सेंसेक्स में 660 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। और आज दिन में झारखंड के हजारीबाग में कोर्ट परिसर AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए। हजारीबाग पुलिस के मुताबिक कोल माफिया सुशील श्रीवास्तव की आज अदालत में पेशी थी और उसको ही टारगेट कर फायरिंग की गई थी। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त वो पेशी के लिए अदालत में मौजूद था। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक पुलिस वाला और एक वकील समेत 3 लोग जख्मी हो गए। सुशील श्रीवास्तव काफी गंभीर अवस्था में है और उनको उसको रांची रेफर किया गया है वहाँ के अस्पताल द्वारा। हवलदार साहब फिलहाल मुझे लगता है कि डेंजर से बाहर है, लेकिन उनको भी रेफर किया गया है, उनके पैर में गोली लगी है।
पुलिस के मुताबिक हमलावर AK-47 से लैस थे और फायरिंग के बाद वो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से AK-47 राइफल बरामद की है। पुलिस को इसमें कोयला माफिया के बीच जारी गैंग वॉर का भी शक है। और अब बात कांग्रेस की। एक लंबी छुट्टी के बाद नए अवतार में सियासी मैदान में कूदे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब एक दलित कार्ड खेला है। आज वो भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान पहुंचे। भारत के संविधान के निर्माता और दलित नेता भीमराव अंबेडकर की विरासत को भुनाने के लिए कांग्रेस ने उनकी 125वीं जयंती पर साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मऊ पहुंचे। राहुल ने वहां पहुंचकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जब IIT मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। सोमवार को सोनिया गांधी ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा था। उधर बीजेपी ने राहुल के अंबेडकर प्रेम पर सवाल उठाया। राहुल गांधी जी, कृपा करके ये बताएं कि अंबेडकर का अगर आप इतना सम्मान करते हैं तो अंबेडकर को आपकी सरकार में भारत रत्न क्यों मिला?